लाहौर पार्किंग कंपनी के 100 में से 7 नंबर, दावे बड़े, कारकर्दगी जीरो। पार्किंग कंपनी की कारकर्दगी जीरो, वजीर आला पंजाब बरहम, पार्किंग कंपनी निजाम चलाने में फेल। कंपनी ने एक भी टास्क हासिल ना किया, पार्किंग कंपनी को 100 में से सिर्फ 7 नंबर मिल सके। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और टॉप मैनेजमेंट की कारकर्दगी सिफर, इंटरनल ऑडिट हो और ना एक्सटर्नल ऑडिट कराया गया। हाई पावर कमेटी ने रिपोर्ट वजीर आला को पेश कर दी, रिपोर्ट नहीं काम चाहिए, जो काम नहीं करता उसे फारिग कर दे, वजीर आला का वाजह। जखीरा अंदोजों के खिलाफ शिकंजा सख्त, जखीरा अंदोजों के खिलाफ तरमीमी एक्ट पंजाब भर में नाफिज। गवर्नर पंजाब ने जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ कानून की मंजूरी दे दी। चौधरी मोहम्मद सरवर ने जरूरी अशिया की जखीरा अंदोजी की रोकथाम के बिल पर 2021 पर दस्तखत कर दिए। नए कानून के तहत जुर्म साबित होने पर जिम्मेदारों को 3 से 5 साल कैद और जुर्माने की सजा हो सकेगी। कैद के साथ जिंस की निसफ कीमत का जुर्माना भी हो सकेगा। PIC में जायदल म्याद स्टंट डालने की तहकीकात में मजीद पेशरफ। 19 स्टाफ नर्स जायदल म्याद स्टंट की चेकिंग ना करने पर मौतल। पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का हुक्म, मुरासला जारी। मजीद 40 से ज्यादा डॉक्टर्स के खिलाफ इंक्वायरी जारी है। पंजाब में बलदियाती इंतखाबात का मामला, तहरीक इंसाफ की तमाम तंजीमें तहलील कर दी गईं। इमरान खान ने सियासी मामलों में अहम फैसलों के लिए सुप्रीम कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में गवर्नर पंजाब, वजीर आला उस्मान बुज़दार, फवाद चौधरी, हमाद अजहर, शाह महमूद कुरैशी और शफकत महमूद शामिल। कमेटी आइंदा के हवाले से अहम सियासी फैसले करेगी। बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते सगियां रोड के बासियों की भी सुनी गई। सगियां रोड की बेहतरी और बहाली के लिए 1 अरब रुपए के फंड्स जारी। महकमा खजाना ने पंजाब भर में तरक्याती मंसूबों के लिए 20 अरब रुपए जारी कर दिए। सगियां रोड की तारीमों मुरम्मत समेत दीगर प्रोजेक्ट शामिल। मयार की निगरानी के मौसर निजाम के लिए 2 अरब 67 करोड़ मंजूर। जहरीली स्मोक के पक्के डेरे, लाहौर 327 AQI के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। पंजाब यूनिवर्सिटी और केनाल रोड पर फिजाई आलूदगी 544, कैंट में 451, DHA फेज 8 में 445 हो गई। शिमला पहाड़ी के तरफ में AQI 403 रिकॉर्ड किया गया। सुबह, दोपहर और शाम गैस ना मिलने पर परेशान अवाम। नाश्ता और चाय होटलों पर दस्तयाब, घरों में नायाब। गैस की बंदिश जेबों पर भारी पड़ने लगी, शहरी होटलों से खाना खरीदने पर मजबूर हो गए। गैस की बंदिश का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया, शहरी खाना पकाने के लिए लकड़ियां खरीदने पर मजबूर। अब्दुल करीम रोड पर टॉल मालिका ने लकड़ियों और कोयले के रेट बढ़ा दिए। महंगाई की सताए शहरी अवामी नुमाइंदों पर बरस पड़े। लोग बल्ला तोड़कर चूल्हे जला रहे हैं, जिसके घर में गैस नहीं आती वो वोट क्यों देगा। लीगी रहनुमा असलम बुखारी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बल्दियाती इंतखाबात हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम करार, मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, इमरान खान बल्दियाती इलेक्शन की खुद निगरानी कर लें, कुछ नहीं होगा, आइंदा हुकूमत नून लीग की होगी, असलम बुखारी का दावा। गैस बंदिश और लो प्रेशर की शिकायत आम। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी इंतजामिया ने कंप्रेसर इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। मुख्तलिफ इलाकों से 500 से ज्यादा कंप्रेसर पकड़ लिए। कंप्रेसर इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के कनेक्शन 1 माह के लिए मुनकता किए जाने लगे। वासा की सीवरेज लाइनों पर नए मेन होल्स कवर की तंसीब का मामला। वासा इंतजामिया प्लास्टिक के ढक्कन और सीमेंट के ढक्कनों की खरीदारी में शशोपन का शिकार। नए ढक्कनों की बरवक्त खरीदारी न होने से वासा में गटरों के ढक्कन का शदीद बहरान। वासा का दोबारा प्लास्टिक रिकम्पोजिट के ढक्कन खरीदने का फैसला। 28 दिसंबर तक क्वालिफाइड फर्मों से टेंडर्स तलब कर लिए गए। जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट की जज बनाने का फैसला।
चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशियल कमीशन का इजलास दोबारा 6 जनवरी को तलब कर लिया। जस्टिस आयशा ए मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने पर गौर किया जाएगा। जस्टिस आयशा ए मलिक को सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज होने का एजाज होगा। डेंगू बुखार से हलाकतों का सिलसिला रुक गया। लाहौर में डेंगू के 2 नए मरीज रिपोर्ट। सरकारी हॉस्पिटल्स में 78 मरीज जेरे इलाज। पंजाब भर में डेंगू के 3 मरीज सामने आ गए। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां। डिप्टी कमिश्नर से मकामी हुकूमतों के नक्शे और आबादकारी का रिकॉर्ड तलब। महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट ने मुरासला जारी कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ चालान के दायरे इख्तियार का मामला। अदालत ने फ्रीकैन के वकला को तैयारी के लिए हतमी मोहलत दे दी। 4 जनवरी को फ्रीकैन के वकला अदालती दायरे इख्तियार पर दलाइल मुकम्मल करें। फासिल जज के रिमार्क्स। केस की समाअत बगैर कार्रवाई के 4 जनवरी तक मुलतवी। ओवरसीज पाकिस्तानी वतनी अजीज का सरमाया है। ओवरसीज आजादी से अपना हक रायदही इस्तेमाल कर सकेंगे। सरमायाकारों की सहूलत के लिए 0 NOC पॉलिसी लाई जा रही है। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार से ओवरसीज पाकिस्तानियों के वक्त की मुलाकात। वज़ीर-ए-आला ने शानदार खिदमात पर ओवरसीज पाकिस्तानियों को मेडल्स दिए। इंसानी अलमिया से बचाने के लिए दुनिया अफगान क़यादत की गैर मशरूत इमदाद करे। दुनिया को अफगानिस्तान से मुतालिक खामोशी खत्म करना होगी। पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात मजीद मजबूत करना हुकूमत की अवलिन तरजीह है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से डिप्टी लीडर लेबर पार्टी बरतानिया एंजेला राइनर और लॉर्ड वाजिद खान से मुलाकात। तारीख पर तारीख, फरसूदा अदालती निज़ाम में बेहतरी ना लाई जा सकी। मालिक मकान और किरायेदार का तनाजा 26 साल बाद भी हल ना हो सका। बागबानपुरा के रिहायशी मालिक मकान किरायेदार की बेदखली के लिए केस की पैरवी करते करते इंतकाल कर गया। हाई कोर्ट ने केस की समाअत एक मरतबा फिर अगले साल 12 फरवरी तक मुलतवी कर दी। कौमी इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर और सिक्योरिटी इदारों पर पथराव का केस। कैप्टन रिटायर्ड सफदर के वकला ने उनकी हाजिरी माफी की दरख्वास्त जमा करा दी। अदालत ने केस की समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी कर दी। शहर भर में क्रिसमस की मुनासबत से तकरीबा। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में क्रिसमस की तकरीब। डिप्टी कमिश्नर ने क्रिसमस का केक काटा। मसीही मुलाजमीन को मुबारकबाद दी। LWMC आउटफॉल रोड वर्कशॉप में क्रिसमस के हवाले से तकरीब। CEO LWMC राफिया हैदर की खसूसी शिरकत। LDA ऑफिस जोहाटाउन में अहमद अजीज तारक ने मसीही मुलाजमीन क्रिसमस की मुनासबत से सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मसीही मुलाजमीन के एजाज में पुरवकार तकरीब। आजी पंजाब राव सरदार अली खान ने मसीही मुलाजमीन के साथ मिलकर क्रिसमस का केक काटा। मुलाजमीन को ईदी भी दी। क्रिसमस पर मसीही बरादरी के तहफ्फुज़ का अज़म। गिरजाघरों पार्कों अहम मकामात की सिक्योरिटी के लिए 6,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग सख्त। CCPO का कहना है क्रिसमस तकरीबात महफूज और पुरअमन बनाएंगे। आर्मी शहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम और स्कॉलरशिप्स मिलेंगी। पंजाब यूनिवर्सिटी के हर डिपार्टमेंट में 2 सीटें। आर्मी शहदा के बच्चों के लिए मुख्तस। तलबा से ट्यूशन फीस और हॉस्टल फीस नहीं ली जाएगी। तलबा को महाना 5,000 स्कॉलरशिप्स मिलेगी। पंजाब यूनिवर्सिटी का GHQ को खत। आलमी इदारा सेहत सोमालिया के वफ़ का यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का दौरा। वफ़ की वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर जावेद अकरम से मुलाकात। दौरे का मकसद सोमालियन तलबा के लिए मेडिकल एजुकेशन के मौके तलाश करना है।